नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। और रागगिरी की वीकेंड इंटरव्यू सीरीज चल रही है पिछले काफी हफ्तों से, और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में मेरे साथ जो कलाकार हैं उनको गीत संगीत की दुनिया में यूं तो किसी परिचय का की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन परंपरा है, एक एक रवायत है, कम से कम कलाकार का नाम जरूर लेना चाहिए। तो नाम मैं बता देता हूँ, बाकी तो चीजें धीरे धीरे सब आप इस इंटरव्यू में बातचीत में आती जाएंगी। मेरे साथ जुड़ी है रश्मि अग्रवाल जी। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि हमारा और आपका संबंध एक ऐसे शहर से है जहां लगभग हम दोनों का बचपन एक ही शहर में बीता है, तो सबसे पहले इंटरव्यू में यही जानना चाहेंगे कि उस शहर से कैसी जुड़ी यादें आपको अभी हैं, मतलब इलाहाबाद कितना आपके अंदर अभी जिंदा है। सबसे पहले तो नमस्ते, नमस्कार शिवेंद्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इस एपिसोड के लिए, रागगिरी के लिए इनवाइट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। तो इलाहाबाद की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें जहन में घूम जाती हैं, कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ। तो बचपन वहीं पे गुजरा है, और बस खेलना कूदना, पढ़ाई, बहुत देर में म्यूजिक मेरी साथी बनी। तो इलाहाबाद से तो इतना जुड़ाव है अभी तक, मेरे भाई हैं वहाँ पे, और अक्सर अभी तो पैंडमिक चल रहा था तो 2 साल से तो जाना हुआ नहीं, पर वैसे जाती रहती हूँ बीच बीच में, भाई रहते हैं मेरे। अब आते हैं, और आपने अगर नोटिस किया हो तो हमारी जो ये सीरीज है उसमें हम हमेशा अपने कलाकार से ये गुजारिश करते हैं, विनम्र गुजारिश करते हैं कि किसी भजन से शुरुआत की जाए। इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि एक अच्छी, जैसे हम हर शुभ काम के पहले ओम लिखते हैं, वैसे लगता है कि शायद इंटरव्यू भी अगर भजन से शुरू हो तो बातचीत में ज्यादा मजा आएगा, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी बातचीत रोचक होगी, उन्हें नई चीजें जानने को मिलेंगी। और जो संगीत के स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो जब आप जैसे कलाकारों को सुनते हैं तो उन्हें भी जानने को कुछ मिलेगा। तो आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि कोई भजन हमें जरूर सुनाइए। जी, आपको एक मीरा का भक्ति गीत, भक्ति गीत सुना रही हूँ, भजन मारो प्रणाम माँ के बिहारी। Yeah.
वाह क्या बात है। देखिए मैंने कहा था ना कि जब हम भजन से शुरुआत करते हैं तो बातचीत में मजा भी सबसे ज्यादा आता है, बातचीत सार्थक होती जाती है अपने आप ही। आपसे ये जानना चाहेंगे रश्मि जी, आपने शुरुआत में भी कहा कि आप संगीत से काफी देरी से जुड़ी, क्या इसकी वजह ये थी कि परिवार में कोई इस तरह की संगीत की पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि घरानेदार परंपरा से चले आ रहे हो, शायद ये वजह थी, और फिर वो संगीत आप में आया कैसे, ये दो चीजें जानना चाहेंगे सबसे पहले। संगीत तो कोई मुझे विरासत में नहीं मिली, मेरे पापा बहुत शौकीन थे, वो हर तरह का संगीत सुनते थे, मेरे आगे पीछे कहीं भी कोई म्यूजिक का ऐसा कोई माहौल नहीं था कि कोई गा रहा हो, कोई सुना रहा हो, घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था, पर यह था कि पापा हर तरह का संगीत सुनते थे, मतलब सुबह उठते ही जो रेडियो सिलोन, तो कभी रेडियो पाकिस्तान, तो कभी विविध भारती, कभी कुछ, कोई ना कोई स्टेशन वो चेंज करते रहते थे, और उसी में हम लोग की नींद खुलती थी बचपन से, तो वो पहले उठ जाते थे और रेडियो चालू हो जाता था, तो वही रेडियो सुनते सुनते बस ईश्वर की ये देन थी, क्या कहें, कुछ यूनिवर्स की शायद कॉन्स्पिरेसी थी कि मुझे इस मुकाम तक संगीत के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो उसके लिए मैं ईश्वर की तहे दिल से उनको क्या धन्यवाद दूँ, वो तो सभी कुछ उनका ही दिया हुआ है, तो बस गाते गुनगुनाते जो भी रेडियो में सुनते थे वही था, वही जीवन था, बस खेलना पढ़ना लिखना। तो स्कूल में सेंट मेरीज में आप तो कमला दी को जानते ही हैं, उस साल कमला दी एज टीचर म्यूजिक की वहाँ पे आई थी, और जैसे लंच ब्रेक में लड़कियां कहती हैं कि क्या नया सीखा सुनाओ, क्या नया फिल्म सॉन्ग है, तो कुछ मैं सुना रही थी, तो वहाँ की जो मेरी क्लास टीचर थी सिस्टर यूजीनिया, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, तो मैंने जब उनको बताया तो उसमें म्यूजिक तो था नहीं, तो बोली कि एक काम करो, ये म्यूजिक की टीचर नई आई है और हमारे यहाँ नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो तुम जाके उनसे मिलो और अपना एक सब्जेक्ट ड्रॉप करके म्यूजिक ले लो। मुझे समझ में नहीं आया, मेरे तो मतलब सब्जेक्ट सारे ले ही लिए थे, ऑप्टेड थे ही सारे सब्जेक्ट्स, फिर भी उनका कहना था, तो मैं जाके मिली और उन्होंने कहा कि सारे गामा सुनाओ। अब मैंने ना तो सारे गामा कभी गाया, ना मैंने हारमोनियम देखा, तो बोली मुझसे सबसे पहले कमला दी कि हारमोनियम पे सारे गामा बजा के मुझे सुना, तो मैंने कहा कि मैम मैंने तो पहली बार हारमोनियम इन पर्सन देखा है, मैंने तो तस्वीरें देखी थी, मैंने तो छुआ तक नहीं है, मुझे नहीं आता, तो बोली अच्छा ठीक है मैं बजाती हूँ तुम गाओ, तो बस उन्होंने बजाया और सारे गामा, मुझे लगा कि इसमें क्या दिक्कत है, बस ऊपर जाना नीचे आना है, इतने जब गाना गाते हैं तो सारे गामा में क्या रखा है, गा दिया, तो बड़ी खुश हुई, हंसने लगी, बोली अच्छा ठीक है कल से आना, तो किस्मत की बात है कि उनको मेरा पसंद आया और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया स्कूल में भी, और मैं उनके घर भी जाती थी, और मैं शायद उनकी बहुत चहेती भी बन गई थी, क्योंकि कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि जब मैं गा नहीं पाई और मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं रोने लगी, तो उन्होंने कहा तुम तो सबसे अच्छा गा रही थी, तुम क्यों रोने लगी, फिर उन्होंने बहुत मतलब प्यार से फिर कहा कि अच्छा ठीक है कल आना, कल मैं सुनूंगी, तो फिर उन्होंने टेस्ट दोबारा से लिया, तो इस तरह से उनसे एक ऐसी बॉन्डिंग मतलब बनी कि वो एक टीचर ही नहीं थी, उनसे मुझे बहुत जिंदगी के बारे में सीखने को मिला, बहुत ही अच्छी इंसान थी, बहुत ही अच्छी, मतलब आप सोचिए कि जब मेरी शादी हो रही थी तब उन्हें बहुत चिंता लग गई थी, एमए में मुझे बहुत अच्छे मेरी पोजीशन आई थी और फर्स्ट डिवीजन भी थी, पोजीशन भी थी, तो उन्हें लग रहा था कि अब ये लड़की तैयार है स्टेज पे जाने के लिए क्लासिकल में, और अग्रवाल्स में तो मतलब पता ही है कि कुछ ऐसा संगीत का नहीं रहता है, पर बोली कि अब तुम कैसे करोगी, तो कुछ सोचा है संगीत का क्या होगा, तो मैंने कहा पता नहीं, उस समय कहाँ इतना मतलब करियर ओरिएंटेड था भी, उस समय था ही नहीं, तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं, तो बोली अच्छा ऐसा है मैं तुमको कैसेट में दो रागें भर के देती हूँ अपनी आवाज में और तुम उनको सुनना और वो प्रैक्टिस करना, मतलब आज के जमाने में आप सोच सकते हैं ऐसा कोई करेगा,
तो उनकी तो उनकी तो बात ही अलग थी। अच्छा, वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ जो कि फिर बीए किया मैंने, फिर एमए किया, और एमए करने में भी बहुत दिक्कतें आई थी क्योंकि मेरे फादर वो बोले कि अच्छा तुम अब आफ्टर योर ग्रेजुएशन तुम क्या सब्जेक्ट लोगी। तो मैंने कहा मैं म्यूजिक लेना चाहती हूँ, तो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप के थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं इंग्लिश लो, कम से कम पढ़ के उसको कुछ लेक्चररशिप मिल जाएगी, म्यूजिक करके क्या करोगी। अब मैंने उनकी बात तो मानी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, टाल सकते ही नहीं थे उस समय तो पापा के सामने जबान खोलना, तो म्यूजिक छोड़ के मैंने इंग्लिश लिया। चार क्लासेस करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं ये तो मुझे आर पार करना होगा, पापा से चाहे झगड़ा हो चाहे कुछ हो। मैंने कहा पापा मेरे से ये इंग्लिश नहीं होगा, मुझे जितनी बोलनी आती है, जितनी समझनी आती है, लिखनी आती है, मुझे काफ़ी है मेरे लिए, मुझे जो चीज़ नहीं आती वो मुझे सीखनी है, मुझे संगीत सीखना है। तो अब उसमें एक लॉ लग गई थी कमला दी के सिखाने के तरीके से, और मतलब आई वॉज टोटली इन्वॉल्व एंड आई वॉन्टेड टू परस्यू इट। ये नहीं मालूम था कि ये कहाँ लेके जाएगी मुझे, लेकिन ये एक मेरी जिंदगी की एक बहुत अहम बोध बन गई थी। मैं इसी सवाल पे आने वाला था, और अच्छा हुआ आपने बता दिया कि जब आपने, चूंकि जो स्कूल में हुआ वो तो पिताजी को और माँ को पता नहीं रहा होगा, और आपने जब घर जाके बताया होगा कि अब मुझे संगीत सीखना है तो क्या हुआ, लेकिन आपने बता ही दिया कि आगे जाकर वो दिक्कत आई। रश्मि जी एक सवाल और समझना चाहूंगा, मैं भी शास्त्रीय संगीत पर काफी समय से मेरी नजर रहती है। एक बहुत बड़ी समस्या आती है अगर आप किसी घराने से ना हो, आपके परिवार में कोई संगीत की पृष्ठभूमि ना हो, तो गुरुओं का मिलना बहुत मुश्किल होता है, और कई बार गुरु बहुत पेचीदा किस्म के सवाल भी करते हैं। ऐसा भी लगता है कि मतलब उनको लगता है कि शायद ये नॉन सीरियस होगा, अगर अगर ये म्यूजिकल फैमिली से नहीं आ रहा है बच्चा तो कोई बहुत ही नॉन सीरियस बच्चा होगा, कुछ दिन सीखेगा फिर गिटार विटार बजाएगा और चला जाएगा। हालांकि आपकी शुरुआत कमला बोस से हुई, और कमला जी के बाद भी आपको जिन दो बड़े कलाकारों का आशीर्वाद मिला, जिसमें मैं बताना चाहूंगा अपने सब्सक्राइबर्स को कि सविता देवी जी जो आप कह लें सेमी क्लासिकल संगीत का बहुत बड़ा नाम रही, और शांति हीरानंद जी, यानी आप उतना सहज उतना सरल कलाकार बहुत कम होते हैं, जो बेगम अख्तर जी की बहुत ही क्लोज शिष्या थी। तो इन दोनों गुरुओं के बारे में मुझे बताइए, और क्या कभी इन दोनों गुरुओं की तरफ से आपको ऐसा लगा कि इनकी इन, 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 इनके शागिर्द बनने में कोई अड़चन आई क्या आपको? जब मेरी शादी हो गई थी, सविता जी तो दिल्ली की थी जी, उस वक्त मैं एकदम से तो मैं नहीं कह सकती थी कि मुझे संगीत में जाना है, क्योंकि यहाँ का माहौल भी संगीत का था नहीं। तो मुझे कुछ साल रुकना पड़ा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ा, और मुझे रास्ते का पता नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। बस शादी होके आ गई थी, वो एक अपनी पसंद की शादी थी, तो उसमें मैं कोई जिरह कोई बहस का कोई वो ही नहीं था। तो शादी के बाद करीब 4 साल लगे मुझे अपने घर वालों को और अपने हस्बैंड को भी समझाने में कि बिना संगीत के मैं नहीं रह पाऊंगी। इट हैड बिकम माई लाइफ लाइन, और 4 साल जो थे वो मैंने किस तरह गुजारे, मुझे लगता था कि पता नहीं घर वाले जो मेरे ससुराल वाले हैं वो पसंद करेंगे कि नहीं। तो मैं अपनी दरवाजे खिड़की बंद करके गाती थी कि मेरी गाने की आवाज़ बाहर ना जाए, और बड़ी घुटन सी भी होती थी कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, किसी के पास तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे इतनी तो नॉलेज है नहीं कि हो गया एमए तो मुझे बहुत आ गया, मुझे आगे भी करना है। तो मैंने फिर कमला दी से ही पूछा कि मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं। तो उन्होंने फिर मुझे सविता जी का पता दिया कि तुम उनके पास जाके, और मुझे ये भी मालूम था कि मैं क्लासिकल अब परस्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए और बहुत रियाज चाहिए, जो कि मेरे घर में इतना मुझे लग नहीं रहा था कि मिल पाएगा। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन यही था कि मुझे ठुमरी दादरा भी बहुत पसंद था, और क्योंकि डायलेक्ट भी हमारी तरफ का पूरबिया है, तो उसको गाने में एक सहज मुझे लगा कि ट्रांजिशन ये हो सकता है।
मुझे बस ये लगता था कि मैं म्यूजिक से जुड़ी रहूं, अगर क्लासिकल नहीं कर पा रही हूं तो चलो सेमी क्लासिकल ही कर लूं, लेकिन मुझे गाना है. क्यों गाना है, किस उद्देश्य से गाना है, ये नहीं सोचा ही नहीं था. कोई प्रोफेशनल बनना है या इसका करियर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं सोचा था. तो सविता जी के पास गए तो रेफरेंस तो कमला दी का था ही, और तो उन्होंने थोड़ा सा सुना, फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मुझे एज शागिर्द, गंडा बंद शागिर्द की तरह. एक जो उनका रिचुअल होता है वो हुआ, और फिर मैं करीब 12 साल उनसे मैंने ठुमरी दादरे की तालीम ली. तो वो भी एक बहुत लंबा सफर था. तो जो भी मुझे ठुमरी दादरे का ABCD जो भी है वो सविता जी की देन है. और शांति जी के पास पहुंचना कैसे हुआ, क्योंकि शांति जी तो बहुत ही मतलब मैंने उनके जो कुछ शिष्यों से पूछा है कि वो अगर क्लास में रम जाती थी तो वो कभी उन्होंने टाइम देखा ही नहीं, पता चला कि वो चार चार पांच पांच घंटे चल रही है क्लास. उनके साथ का तजुर्बा कोई? वो तो मतलब आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेशियस लेडीज आई हैव मेट. लेडीज क्या गुरु कहूं मैं. मेरी जो है जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी एंड टू लर्न एज मच एज पॉसिबल, वो एक मुझे पुश करती रहती थी. और मुझे गजल में भी बहुत इंटरेस्ट था, और वो गजल जब भी मैं गाती तो थी, कमला दी ने भी सिखाई थी और सविता जी के यहाँ भी होती थी गजल वगैरह, लेकिन जो खास एक गजल का अंदाज है, उसको कहना और उसको कहाँ पे पॉज, कहाँ पे उसका एक्सप्रेशन देना, उसका जो करेक्ट डिक्शन है, उर्दू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट होना चाहिए. तो उस वजह से मैं फिर शांति जी के पास मैं गई, और मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे सिखाया, बहुत प्यार से सिखाया. उनसे सीखने में तो एक किस्से कहानियां भी बहुत चलते थे, वो बेगम साहिबा के कहानियां बहुत बताती थी, और मतलब बहुत ही इतने मजे में बताती थी कि एकदम ऐसा लगता था कि हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे वो, जिस जगह की वो कहानियां सुना रही हैं. तो उनसे सीखने का भी एक एकदम अलग सा एक्सपीरियंस रहा. बहुत प्यार, और मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने मेरे लिए, शायद ही उन्होंने किसी शागिर्द के लिए ऐसा किया होगा, अपनी जहाँ पे वो रहती थी वहाँ के कम्युनिटी सेंटर में उन्होंने मेरा एक कार्यक्रम रखवाया था. फिर उन्होंने एक और बार, उनको पसंद आया तो उन्होंने फिर जस्ट अभी उनके गुजरने से 2-4 साल पहले उन्होंने फिर से मुझे इनवाइट किया वहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए. और मतलब पूरा ऑर्गेनाइज उन्होंने किया था. दैट वाज वेरी मेरे लिए बहुत ही उसकी बात थी कि एक गुरु होके, और किस तरह से उन्होंने कि जैसे एक आर्टिस्ट को ट्रीट करते हैं कि रश्मि चाय ले लो, रश्मि ये ले लो. एंड शी वाज सो, इट वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि मेरी गुरु मेरे लिए ऐसे करी. मुझे इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था. मैंने कहा आप शांति से बैठिए, मैं सब कर लूंगी, आप चिंता नहीं करिए. तो नहीं, बोली कि आज तुम कलाकार हो और कलाकार को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही मैं कर रही हूँ, इसको तुम मना मत करो. ये तो मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि खुद ऑर्गेनाइज कराया उन्होंने मेरे लिए प्रोग्राम. तो वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ. बिल्कुल सही बात है, सही कहा आपने. और आपको तो उनसे सीखने का सौभाग्य मिला है, बहुत बड़ी बात है ये. हम तो उनसे सिर्फ मिले, हम मतलब दिल्ली में रहते हुए 20-22 साल हुए, उसमें मेरी उनसे 3-4 मुलाकातें रही, लेकिन वो हमेशा, जैसे मैंने कहा ना कि इतनी सहज और इतनी सरल, कभी लगता नहीं था कि मैं एक ऐसे कलाकार से बात कर रहा हूँ जो इतना गुणी, इतना समर्पित संगीत का कलाकार है. बिल्कुल ऐसे माँ की तरह पेश आना, बच्चों की तरह हम लोगों से बातचीत करना. और जिस दिन उनका निधन हुआ, वाकई ऐसा लगा कि मतलब कोई अपने परिवार का चला गया हो. तो ये तो सौभाग्य होता है गुरुओं का मिलना. खैर रश्मि जी, गुजारिश ये करूंगा आपकी, थोड़ा सा संगीत का माहौल फिर से हो. और चूंकि सेमी क्लासिकल की बात हो गई, सविता जी की बात हो गई, तो सेमी क्लासिकल में तो बहुत सारे जॉनर हैं, बहुत सारी चीजें हैं. क्या सुना रही हैं आप हमें, वो बताइए. दिल्ली में तो देखिए बारिश
रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ आज थोड़ा सा सूरज निकला है तो मैं सोचती हूँ कि एक कजरी आपको सुना देती हूँ। बरसे कारी रे हो बदरिया, बरसे कारी रे बदरिया मोर चुनरिया भी जल जाए, बरसे कारी रे बदरिया मोर चुनरिया भी जल जाए, 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 बरसे कारी रे बदरिया मोर चुनरिया भी जल जाए, धानी रे चुनरिया लाल रंग चोलिया, 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 बूंद पड़ल धूमिल होई जाए, बूंद पड़ल धूमिल होई जाए, मोर चुनरिया भी जल जाए, बरसे कारी बदरिया मोर चुनरिया भी जल जाए, 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 बरसे कारी रे बदरिया मोर चुनरिया भी जल जाए, मोर चुनरिया भी जल जाए, मोर चुनरिया भी जल जा। भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय उपशास्त्रीय संगीत की खासियत यही है कि जब आप इसको सुनिए तो ऐसा लगता है कि आप अपनी जो मिट्टी की खुशबू होती है, बारिश की बात कर रही थी अभी रश्मि जी, तो वो जो खुशबू पानी के पड़ने पर आती है वो उस संगीत से भी आती है, और वही संगीत हम लगातार सुन रहे हैं, उसी संगीत पर हम बातचीत कर रहे हैं।